सभी लोग वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज के वीडियो में वापस हम करने वाले हैं कोडिंग डिजाइन का पंचिंग, जो कि ये इसमें थोड़ा एडवांस में है, तो आपको इसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो पंचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पंचिंग करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानना है कि कोडिंग के डिजाइन में मशीन आपका एक ही दिशा में घूमना चाहिए, मतलब कहाँ पे उसका डिजाइन, मतलब जो घूमने का स्टाइल होता है वो लेफ्ट से राइट रह जाए, तो कब आपको राइट से लेफ्ट करना है और फिर लेफ्ट से राइट करना है, तो ये चीज आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, होम प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए ये राउंड के सभी मैंने स्टार्ट एंड पॉइंट एक ही जगह पे कर दिए हैं, जितने भी राउंड है सबके स्टार्ट एंड पॉइंट ऊपर कर दिए है। अभी क्या करेंगे, इसको करेंगे एक्स वी और सबसे पहले इसकी दिशा देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा है। अभी बाकी के जितने भी सर्कल है उसकी मतलब जो घूमने की दिशा है वो लेफ्ट से राइट ही होनी चाहिए। तो मशीन को वापस करेंगे, यहाँ से देखेंगे, देखिए ये भी मतलब बराबर है, दोनों की स्टाइल देखिए, यहाँ से लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, मतलब एक ही दिशा है मशीन घूमना चाहिए। उसके बाद इसको भी कर देते हैं एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी और एक्स वी। अभी सबका एक साथ में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये बराबर है, बराबर है, बराबर है, तो इसी हिसाब से सबकी होनी चाहिए स्टाइल। तो अभी इसका अलग अलग घूम रहा है, देख सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये घूमा फिर ये उल्टी दिशा में जा रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बैकट्रैक करेंगे, ये ऊपर वाले को हटाएंगे, नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाले को डिलीट कर देंगे। तो अभी देखिए सबकी दिशा सेम हो गई, यहाँ पे देखिए ये ऐसा और ये सबकी दिशा सेम हो गई। अभी बात करते हैं ये पंचिंग का, तो ये पंचिंग का क्या करना है, मतलब इसकी दिशा ऐसे सर्कल के हिसाब से देखे जाए तो इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह से आपको क्रॉस बनाना है यहाँ से, इस तरह से। चलो मैं दूसरा बताता हूँ एग्जांपल आपको, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करनी है आपको, मतलब यहाँ पे इस तरह से एक के ऊपर एक धागा जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे दबाए, उसके बाद ये घूम के इधर इस तरह से आपको पंचिंग करना है, तो ये चीज का आपको आप ध्यान रखना। तो चलो करते हैं, तो इसको करते हैं एक्स वी, तो अभी देखते हैं इसकी दिशा बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर है, यहाँ से ये बनता हुआ आया, तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको ऊपर जाने देंगे। तो इसका स्टार्ट एंड पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, स्टार्ट यहाँ पे और एंड पॉइंट यहाँ पे, इसको क्या कर देंगे एक्स वी। तो अभी देखते हैं इसकी दिशा, यहाँ से आया तो देखिए यहाँ से ये गलत दिशा में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया फिर ये गलत, तो इसको क्या करेंगे, बैकट्रैक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बैकट्रैक, फिर ऊपर वाले को हटाएंगे, नीचे वाले को सिलेक्ट करके इसको कर देंगे डिलीट। तो अभी देखिए अभी यहाँ पे परफेक्ट हो रहा है, अभी ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में दिशा फिर से चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, मतलब चौकड़ी बननी चाहिए एक्स वी। तो यहाँ पे देखिए हाँ ये बराबर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरह से आया फिर इस तरह से ऊपर गया इस तरह से, और यहाँ पे तो धागा एक के ऊपर एक होना चाहिए, यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ से ये नीचे दबा फिर ऊपर गया फिर ऊपर गया फिर यहाँ से इस तरह से पूरा बनना चाहिए। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका आंसर करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो इसका पंचिंग भी सेम ही होगा, एक्स भी एक बार दिशा बराबर है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फिर इसका स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज करना पड़ेगा हमको, और हाँ इसको हम घुमा भी सकते हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं उसके बाद इसको पूरा घुमा लेते हैं, तो ताकि पंचिंग करने में ज़्यादा टाइम ना हो जाए। एक बार वापस देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया फिर क्या कहा जाएगा, यहाँ से इसकी दिशा चेंज हो जाएगी इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से आए तो यहाँ से ये आधा बनाया फिर ये आधा बनाया फिर ये आधा फिर यहाँ से पूरा, ऐसा नहीं होता इसमें, मतलब पूरा एक ही दिशा में पूरा चलना चाहिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से। तो इतना समझ में आ गया होगा। अभी क्या करेंगे, सब सेम ही बुट्टे हैं, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल डी करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा सर्कल बना देंगे, उसके बाद क्या, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे एक्स सॉरी वी, इसको सिलेक्ट करेंगे वी करके जूम करेंगे, और यहाँ से कितने ऑब्जेक्ट हैं हमको देख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो यहाँ से रेड को सिलेक्ट करेंगे 10 10, और यहाँ से एग्जैक्टली सेंटर में रख देना है, यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी ब्लैक है सबको
सॉरी हम ग्रुप करना भूल गए थे, तो यहाँ पे एक बार ग्रुप कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसको ग्रुप करना पड़ेगा कंट्रोल जी, यहाँ से इसको कंट्रोल जी, यहाँ से फिर इसको 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 ये सर्कल को मैं अनसिलेक्टेड कर देता हूँ, यहाँ से जितने भी सर्कल है सबको मैं अनसिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से फिर इसको क्या कर देंगे हम लोग, ग्रुप कर देंगे एक बार, देख लेते सिलेक्ट करके हटा के, हाँ ये परफेक्ट है, ये भी ग्रुप में। उसके बाद क्या करेंगे, बी प्रेस करेंगे, बी प्रेस करके जूम करेंगे यहाँ से। अच्छा पहले सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जूम करेंगे और यहाँ से रेट करेंगे, रेट को करना है 10। यहाँ से ओके कर दिया तो यहाँ पे ये ऊपर कॉपी हो गया। उसके बाद क्या, कोई इसको ऊपर वाले को निकाल देंगे तो पूरा कॉपी हो जाएगा, लेकिन अभी भी पंचिंग होना बाकी है। तो चलो देखते हैं, होम होम प्रेस करेंगे, फिर मशीन को आगे जाने देंगे यहाँ से, इस तरह से यहाँ से यहाँ यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ। क्यों क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ से हमने पंचिंग कर दिया था, इसका मतलब वहाँ से कॉपी किया हुआ था। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ, फिर मशीन को आगे आगे जान देते हैं, यहाँ पे आए, इसको पूरे को अनग्रुप, इसको क्या करेंगे एक्स वी, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसको करेंगे, इसको अनग्रुप करते एक बार, इसको करेंगे एक्स वी, फिर मशीन को पीछे जाके इसको आगे जान देते हैं, यहाँ से इसको करेंगे एक्स वी, फिर मशीन आगे जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे एक्स वी। तो ये एक बार चेक कर लेते बराबर है कि नहीं बराबर, यहाँ से इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ से ये एकदम कंप्लीट घूम रहा है। तो फिर इसको भी सेम करेंगे, इसको पहले अनग्रुप करना पड़ेगा, इसको करेंगे एक्स वी, फिर मशीन पीछे जाएगा यहाँ पे। तो इसको फटाफट हम शॉर्टकट से कर लेते हैं, इसको करते हैं एक्स वी, फिर एक प्रेस करके यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे एक्स वी, फिर मशीन को आगे जाने देते हैं, यहाँ से करना पड़ेगा इसको पहले अनग्रुप, फिर करेंगे एक्स वी, फिर यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे एक्स वी, यहाँ से इसको थोड़ा आगे जान देते हैं, इसको करेंगे एक्स वी, फिर मशीन आगे जाएगा यहाँ से, पहले अनग्रुप करते हैं, इसको करते हैं एक्स वी, ई प्रेस करके पीछे एक्स वी। आपको समझ में आ रहा होगा गाइज, अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से हम दूसरी डिजाइन में आपको अच्छे से समझा देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसको करते हैं अनग्रुप एक्स वी, फिर यहाँ से इसको एक्स वी, एग्जैक्टली नीडल पॉइंट पे लेना है आपको, एक्स वी, यहाँ से इसको एक्स वी, फिर इसको करेंगे अनग्रुप, इसको भी कर देते हैं अनग्रुप और इसको भी कर देते हैं अनग्रुप, अभी तीन ही और बुट्टे बाकी है। यहाँ से इसको एक्स वी, यहाँ से एक्स वी, पीछे जाने देंगे मशीन को, यहाँ से एक्स वी, यहाँ से इसको एक्स वी, एक्स वी, मतलब आपको नीडल पॉइंट पे ले जाने के बाद एक्स वी करना है। जैसे अभी मशीन यहाँ पे आगे जाएगा, इसको करेंगे एक्स वी, फिर मशीन यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे पीछे नीडल पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा, फिर आपको एक्स वी करना पड़ेगा। यहाँ पे आए, इसको किया हमने एक्स वी, तो यहाँ पे हमारा पंचिंग हो गया है। तो एक बार पूरा मशीन को घुमा के देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ही दिशा में घूम रहा है और ऊपर भी चौकड़ी बना रहा है इस तरह से। तो कोडिंग के डिज़ाइन में क्या, आपका मशीन कहीं पर भी अटकना नहीं चाहिए, और कोडिंग के डिज़ाइन में एक भी डिज़ाइन में मतलब एक भी कलर में जंप नहीं आना चाहिए। तो इसी तरह से कोडिंग का पंचिंग होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।